कांग्रेस हमें तो ऐसा लगता है कि चाहती है कि देश में भारत माता की जय के नारे नहीं लगे, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े हो, यही नारा वो लगवाना चाहती है। क्योंकि जैसे ही आप देशद्रोह के प्रोविजन को खत्म करेंगे तो जो देशद्रोही नारे लगाने वाले हैं, देशद्रोह करने वाले लोग हैं, उनको आप बल देने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि वन रैंक वन पेंशन को वो और कड़ाई से लागू करेगी। इनका 2004 में वन रैंक वन पेंशन के बारे में आप रिकॉर्ड देखें, उस समय इन्होंने इसे लागू करने का वादा किया था। अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में इन्होंने सिर्फ 500 करोड़ का प्रोविजन किया था, जिसके कारण सेना में वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं हो पाया। हमारी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को कड़ाई से लागू किया और 35,000 करोड़ का प्रोविजन पिछले 5 वर्षों में हुआ है। अभी भी वन रैंक वन पेंशन को लागू करने में थोड़ी सी, मुझे लगता है 90% हम लागू कर चुके हैं, 10% का गैप है। लेकिन कहाँ उनके बजट का 10 वर्षों का 500 करोड़ और कहाँ हमारे 5 वर्षों का 500 करोड़। इन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ केयर देने की बात की है, यानी सबके लिए चिकित्सा मुहैया कराने की बात की है। बहुत जल्दी इनकी नींद टूटी। हम लोगों ने पहले ही अपनी योजना के तहत, जो हमारे पूरे विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम योजना है, उसको ऑलरेडी हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है यहाँ पे, और 50 करोड़ भारतीय आयुष्मान भारत के तहत अपना इलाज करा सकते हैं। और जिस तरीके से योजनाओं को हम लोगों ने लॉन्च किया और जैसा रिस्पॉन्स मिला, 4 महीने में 40 लाख लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है।